हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 ने किस प्रकार से मूवमेंट दिया। अभी हम यहाँ पर वॉच कर रहे हैं निफ्टी 50 के 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के, यानी कि मार्केट 23,337, यानी कि यहाँ पर मार्केट 800 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने एक गिरावट दर्ज की। और ये मार्केट का एक इम्पोर्टेंट लेवल था 23,100 का, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का हाई था और इसकी यहीं पे मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। अगर मान सकते हैं कि ये अगर सपोर्ट टूटता है मार्केट का, तो मार्केट काफी डाउन आ सकता है और काफी डाउन तक रैली आ सकती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कल यहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा और कल मार्केट में आपको काफी तेजी देखने को मिलेगी। और मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पर अभी ट्रेडिंग से बसे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग से मूवमेंट आएगा ना, वो आपको 4-5 दिन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कल ही कल सारा कुछ हो जाएगा। देखिए इस बीच आपको प्रीमियम डिकी होता है और यहाँ पर हाई प्रीमियम होने के कारण आप वहां पर बड़ी रिस्क लेते हैं और बड़ा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बड़ा लॉस कर लेते हैं। ऐसा मत कीजिए, आपको कोई परफेक्ट एंट्री मिलती है, परफेक्ट सिग्नल मिलता है। हमने कहा हमारी स्ट्रेटजी हमेशा वर्क करती है, उसके आधार पर अगर आपको कोई भी परफेक्ट सिग्नल मिलता है तो आप एंट्री जरूर करिएगा। चलिए मैं आपको ऑप्शन में जाके दिखा देता हूँ कि हमारी मॉर्निंग में कौन सी कॉल बनी थी, मॉर्निंग में हमें एक कॉल के लिए कितना वेट करना पड़ा। मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है और मार्केट देखिए पुट साइड के लिए तो था ही नहीं, ठीक है। पुट साइड के लिए मार्केट हमारे एक भी रूल को यहाँ पर मार्केट ने पालन नहीं किया। फिर यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पर इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया। लेकिन हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं से कॉल बाय करें। पहला हमारा रूल जो है कि ट्रेड लाइन भी ब्रेक होनी चाहिए इसके साथ। और यहाँ पर ये कॉल बनी है 11:15 पे और ये 60 में कहाँ पर है, 11:15, ठीक है। 11:15 यहाँ पे, और यहाँ पर हम एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे यहीं से, ठीक है। इस स्विंग से हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें ये ट्रेड लाइन मिलती है 11:15 पे, यानी कि हमारी कॉल यहाँ पे एक्टिव होती है। जबकि यहीं से भी सिग्नल मिल गया कि मार्केट का अप ट्रेंड है और यहाँ पर हमें परफेक्ट सिग्नल मिल गया कि मार्केट में एक कॉल परफेक्ट तरीके से बन रही है। दोनों के सिग्नल को मिलाकर हमने एक एंट्री ली 20 पॉइंट SL के साथ और यहाँ पर हमें यहाँ पर अपना टारगेट मिला, यानी कि यहाँ पर कॉल ये गई है 330 से, यहाँ पर आपको कॉल 400 जाते हुए दिखाई दी, यानी कि हमें सिंपल आपको 70 पॉइंट यहाँ पर बुक हुए। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये ट्रेड आप ले सकते थे, लेकिन ये ट्रेड थोड़ा रिस्की रहता तो ये ट्रेड हमने नहीं लिया, हम बात साफ कह रहे हैं। और हमारी जो सेकंड कॉल बनी वो यहाँ पर दोस्तों कोई परफेक्ट ट्रेड नहीं बना था, ये ट्रेड हमने ऐसे ही लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर ऑप्शन में जाके ऑप्शन में ये ट्रेड बन रहा था जबकि फ्यूचर में नहीं बन रहा था। हमने कहा एक छोटा रिस्क है, छोटे रिस्क के साथ एक छोटा सा ही टारगेट मिलेगा, एक बार ले लेते हैं। और वहां पर भी हमें यहाँ पर 30 पॉइंट बुक हुए 20 पॉइंट SL के साथ, क्योंकि ये ट्रेड हमारा किस प्रकार से बन रहा था कि यहाँ पर हमने ये स्विंग लिया था और ये स्विंग यहाँ पर लेने के बाद में देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा था, इसलिए हमें यहाँ पर डाउट था। लेकिन हमने कहीं ना कहीं इस ट्रेड को लेने के पीछे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस माना कि यहाँ पर अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक हमें एक प्रॉफिट मिल सकता है। और यहाँ पर मार्केट एक बार निचली स्तर तक आया और हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिया और मार्केट फिर वापस ऊपर तक चला गया, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो हमें इस स्विंग का ही टारगेट लिया था, यानी कि 357 का, 60 का जो टारगेट था यही लिया था हमने, इससे ज्यादा का टारगेट नहीं लिया। इसलिए हमें यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट करना बहुत ही जरूरी था। और यहाँ पर मार्केट में प्रीमियम डिकी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने आज लॉसेज भी किए, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गया। अगर इसे एक तरीके से समझे तो ये साइडवेज मार्केट, यहाँ पर मार्केट देखिए 12 बजे के बाद में मार्केट काफी टाइम तक, यानी कि 3 बजे तक साइडवेज रहा, 3 बजे एक रैली आई मार्केट में, इसने काफी पॉइंट ऐसे दिए, जिन लोगों ने कैसे भी किए उन्होंने ये प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा आपको एक ही चीज की सलाह देता हूँ कि मार्केट में देखिए आज मैं आपको कोई लेवल नहीं देने वाला, क्यों, क्योंकि मार्केट में लेवल्स काम नहीं करेंगे। और ये देखिए ये लेवल्स काम इसलिए किया क्योंकि ये मार्केट का हाई था और मार्केट को यहीं पे यहाँ पर सपोर्ट लेना भी जरूरी था। चलो कॉल राइटिंग ज्यादा हो रखी है, लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट में बीजेपी सरकार बनेगी और बन भी रही है और बनना भी तय है, तो मार्केट में उछाल आना ही वाला है। कल भी बहुत बड़ा उछाल आएगा, अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा, और गैप डाउन भी होता है तो भी हमें बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा। लेकिन उस दरमियान आपको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है कि आप कहीं ना कहीं ऐसे मूवमेंट में ना फंस जाओ जहां पर आपको, क्योंकि प्रीमियम हाई मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो इस चीज से बसिए, कल ट्रेडिंग अवॉइड भी कर सकते हैं और पैसा बना भी सकते हैं, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और जीरो टू हीरो के चक्कर में रहोगे तो यहाँ पर दोस्तों पैसा जा भी सकता है लेकिन आ भी सकता है। अब पैसा आएगा कैसे, मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ कि अगर जीरो टू हीरो ट्रेड करना ही है तो आप एक स्ट्रेटजी के हिसाब से करना कि यहाँ पर ट्रेड लाइन को ड्रॉ करना। जब कोई भी ट्रेड लाइन अगर ब्रेकआउट होने वाली होती है, यानी कि हो जाती है,
तब आप उसमें एक 80 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना और यहाँ पर जल्दी से ट्रेड को एग्जिट कर लेना, क्योंकि ज्यादा टाइम तक ट्रेड में मत टिके रहना, क्योंकि प्रीमियम डिके हो सकता है और वहां पर आपका प्रीमियम ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा। ठीक है, आपको जो भी ट्रेड यहाँ पर एक दो कैंडल में जो भी प्रॉफिट मिले वो लेके निकल जाना, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। एक दो कैंडल में जो मूवमेंट आना है आ जाता है, फिर भले ही कैंडल बने उसमें कोई भी यहाँ पर प्रीमियम में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकले हैं तो कहीं ना कहीं लॉसेज होने के चांसेस ही नहीं थे, और जो लोग यहाँ पर साइडवेज में घुसे हैं तो उन्हें लॉस हुए भी है, क्योंकि देखिए बिना लॉजिक हम कहीं भी एंट्री लेते हैं तो हमें लॉस होना तय है। अब यहाँ पर ये लॉजिक था इसलिए यहाँ पर एंट्री ली। अब यहाँ पर देखिए इतने ऊपर जाके हम यहाँ पर कहीं एंट्री लेते तो ये एसएल लेने आएगा, ये एसएल जाएगा। ठीक है, तो हमें एंट्री कहाँ पे लेनी थी, यहाँ पर लेनी थी, यहाँ तक हम बैठे रह सकते थे। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे, लेकिन बीच में नहीं घुसना, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ट्राई करिएगा और इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, फ्री फिक्स ऑप्शन ट्रेडिंग स्टेज ये इसका नाम। और दोस्तों यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसमें सब कुछ बताया गया है, 1999 रुपए मात्र 49 मिनट के अंदर। यहाँ पर कोई भी ट्रेड आपको फेल होते हुए नहीं दिखेंगे, बैक टेस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है यहाँ पर लेवल्स और ट्रेड लाइन, और सबसे बड़ी पावर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। यहाँ पर हम ऑप्शन एंड यहाँ पर इंडेक्स में दोनों में अलग अलग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं, और जिसके यहाँ पर तौर पर हमें बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर मार्केट में देखने को मिलता है, और हम यहाँ पर दोनों से एक परफेक्ट एंट्री आराम से बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, इसलिए लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।